पता ही होगा। तो वैसे बता दीजिए हमें। वैसे यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है, क्या शक्ति है, पूरी भगवान की पूरी शक्ति है। पहले से मंदिर बना हुआ था छोटा सा, अच्छा छोटा बना हुआ है, बड़ा बन रहा है। वो मूर्ति स्थापना वहाँ से यहाँ पे स्थापित होंगी। उसका कोई मीन्स टू से पहले की कोई कहानी? पहले क्या है कि ये जमीन व्यक्तिगत जमीन है, हाँ, तो इसमें मतलब जिनकी जमीन है। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल के ऊपर, ग्रैंड हाइट ट्रैवल के ऊपर। तो आज का जो नया अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है वो है NH9 के ऊपर, जो दिल्ली और आपका रोहतक हाईवे है ना, उसके ऊपर जो गुड़गांव की तरफ भी जाता है। तो वहाँ रास्ते में हमें काफ़ी बार मैंने चेकआउट किया है कि भव्य मंदिर के लिए बनी हुई है एक प्रतिमा, जो कि हनुमान जी की है, जो मेरे जो बिल्कुल पीछे दिख रही है। तो ये प्रतिमा का भी एक अलग ही कहानी है। पंडित जी हैं, उनसे पूछी तो उन्होंने बताया देवेंद्र जी ने यहाँ इसका निर्माण किया है और ये गांव मानोठी में रहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो अप्रैल के अंदर हुई है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 23 अप्रैल के अंदर हुई है और इसके पीछे बिहाइंड जो स्टोरी है वो पंडित जी ने बताई। जो देवेंद्र जी हैं जिन्होंने इसका प्रतिमा का निर्माण करवाया है, उनके घर में है ना जो बच्चे पैदा हो रहे थे तो उनमें प्रॉब्लम आ जा रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी जो हमें पता चली है। तो किसी संत ने, किसी मंत ने, किसी ने, पंडित जी ने, उन्होंने बताया कि आपको यहाँ जो आपकी ज़मीन है, निजी ज़मीन है, तो उसके अंदर आपको एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, एक प्रतिष्ठा का निर्माण करवाना चाहिए जो हनुमान जी की है। और सामने जब एंट्री करते हैं तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर और है जहाँ आपको मिलेगा छोटी छोटी, मतलब छोटी क्या है, भगवान तो सब बड़े होते हैं मगर प्रतिमाएं मिलेंगी। तो आपको सिनेमेटोग्राफी के अंदर देख ही लिया होगा या आगे देख लोगे कि यहाँ क्या क्या हुआ है। यहाँ एक तालाब ही है जो अच्छे से बनाया जाएगा बाद में, और अच्छे से और बड़ा बनाएगा। अभी तो मंदिर बना है, तो जितना भी आपसे सहयोग हो उसके आके या आपको विजिट करना है तो आप कर सकते हो। मेरे ओर से ये है कि जो भी यहाँ आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी दूर होगी। अगर यहाँ की ये मानता है ना तो सबको भगवान जी, क्योंकि एक नज़रिए से ही भगवान जी सबको देखते हैं, तो आपको भी वो देखेंगे। मैंने भी मन्नत मांगी है और आप भी आके मांगो। जय श्री राम। चल रहे हैं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने और आपको जगह भी बता दी है कहाँ आपको मिलेगा ये। और कोई भी नॉलेज इतनी है कि यार कुछ भी कहो, बाकी ये अनएक्सप्लोर जगह है, प्लीज़ यहाँ विजिट करना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरा मन कहता है, गट्स फीलिंग है कि आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सोल्व होगी ही होगी। तो धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल पर, आपको अनएक्सप्लोर ही चीज़ें हम दिखाएंगे हमारे।